नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के अमृतसर में वीरवार की रात दो जगहों पर आग से लाखों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। इन घटनाओं से भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन जानी नुकसान होने से बचाव हो गया। अकाली मार्केट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड और सेवा समिति की 5 गाड़ियों मौके पर पहुंची। देखा तो पता चला कि बंद पड़े पटाखों के गोदाम में आग लगी है। रुक रुक कर पटाखे जल रहे थे। पास ही तेल का गोदाम था, जो फायर ब्रिगेड के लिए चुनौती बन गया। सेवा समिति और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने तुरंत गोदाम का दरवाजा तोड़ा और अंदर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का कहना है कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। अगर यही आग पास के तेल गोदाम तक पहुंच जाती तो बहुत अधिक नुकसान हो सकता था। इतना ही नहीं, फायर ब्रिगेड के लिए भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो सकता था। दूसरी आग की घटना रात 2 बजे करीब कोर्ट रोड पर रिपोर्ट हुई। कोर्ट रोड सैमसंग सर्विस सेंटर के साथ बिल्डिंग के स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देखी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सेवा समिति व फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।